नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के एक वाक्य को लेकर कि किस तरह भरतपुर के राजा जवाहर सिंह और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेनाओं के मध्य एक स्त्री को लेकर संघर्ष होता है और वह स्त्री कहां जाती है, तो आज हम देखेंगे इस कहानी को। एक बार दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह, जिन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, अवध के नवाब सफदरजंग को बुलाया और उसके पुत्र शुजाउद्दौला के शादी के बारे में बात की। सफदरजंग ने कहा कि अभी चंद रोज पहले ही एक रिश्ता आया था, लेकिन लड़की की माँ तवायफ थी, इसलिए मेरी पत्नी इस रिश्ते से राजी नहीं है। उस लड़की का नाम था गुन्ना बेगम। शुजाउद्दौला ने गुन्ना बेगम की खूबसूरती के चर्चे सुन रखे थे, अब उसके लिए शादी का टूटना एक असहनीय बात हो गई। शुजाउद्दौला ने गुन्ना बेगम की माँ को अपने दोस्त शेर अंदाज के हाथों एक खत भिजवाया, जिसमें लिखा था कि वह शादी के लिए तैयार है। जब गुन्ना बेगम की माँ को खत मिला, तो खत को पढ़कर तुरंत गुन्ना बेगम और गुन्ना बेगम की माँ तुरंत लखनऊ से दिल्ली की ओर चल पड़ी। रास्ते में आगरा में रुके। इधर भरतपुर के राजा जवाहर सिंह भी गुन्ना बेगम के दीवाने हो चले थे। राजा जवाहर सिंह ने गुन्ना बेगम को उनके समक्ष पेश करने के लिए सिपाहियों को भेजा, लेकिन गुन्ना बेगम के साथ शुजाउद्दौला द्वारा भेजा गया दूत शेर अंदाज भी था। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध का फायदा उठाकर गुन्ना बेगम और गुन्ना बेगम की माँ वहां से खिसक ली और फर्रुखाबाद के राजा नवाब अहमद खां के यहाँ शरण ली। उसी समय फर्रुखाबाद के नवाब के यहाँ उनके दोस्त इमाद उद्दौला गाजुद्दीन भी ठहरे थे, वो भी गुन्ना बेगम पर मोहित हो गए, लेकिन नवाब अहमद खां ने गाजुद्दीन को रोक दिया और सही सलामत गुन्ना बेगम और उसकी माँ को शुजाउद्दौला के पास भिजवा दिया, जहां पर शुजाउद्दौला और गुन्ना बेगम का निकाह होता है। निकाह के बाद गुन्ना बेगम को किताब मिलता है आलिया सुल्तान बेगम का, और इन दोनों के एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम नसीरुद्दौला था। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।